वेलकम टू सबलाइम क्लासेस और आज हम देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे, उससे संबंधित आने वाले कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आपका कंप्यूटर के इतिहास में। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है अच्छा सा, तो ये प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई। कंप्यूटर जो शब्द आया ये किस शब्द से आया, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप इसका जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, कंप्यूट। कंप्यूट शब्द इंग्लिश का एक शब्द है, मतलब अंग्रेजी शब्द है ये कंप्यूट, और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है उसका अर्थ होता है गणना करना, गणना करना, गणना करना, गिनती करना। और पहले कंप्यूटर का जो काम होता था मुख्य रूप से गणना करना ही होता था। आजकल बहुत मल्टीपर्पज़ हो चुका है, बहुत सारे काम करता है कंप्यूटर, लेकिन जब ये पुरानी बात है तो पहले सिर्फ काम गणना करना ही होता था, इसीलिए इसका नाम कंप्यूटर हो गया। नेपियर बोन्स क्या चीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई गणना यंत्र है, या मेमोरी यानी कि स्मृति का कोई प्रकार है, या इंटरनेट का कोई प्रकार है? तो हम आपको बता दें कि नेपियर बोन्स एक प्रकार का गणना यंत्र है और ये बहुत पुरानी मशीन है। इसके बारे में कुछ जानते हैं, देखने में कुछ ऐसा लगता था नेपियर बोन्स। इसमें कुछ छड़ें जुड़ी हुई हैं पूरे एक बोर्ड की टाइप में, जैसे कैरम आप लोग देखते हैं, तो कैरम में एक बीच में पूरा बोर्ड होता है, किनारे किनारे उसकी बाउंड्री होती है, वैसे ही लग रहा देखने में, लेकिन इसमें बीच में छड़े लगी हुई हैं, जीरो से ऊपर से एक दो तीन चार जो भी चीजें इसमें दी हुई हैं आप देख रहे हैं इस तरीके से छड़े, तो ये एक दो तीन चार पाँच, ये सारी छड़े हैं एक अलग अलग और उसमें जुड़ी हुई हैं। ये वर्क करती थी एक अलग प्रकार से, आज इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन पहले इसका उपयोग बहुत अच्छे से मात्रा में किया जाता था। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1614 में एक अनोखा मैकेनिकल मशीन तैयार किया जिसका नाम था नेपियर बोन्स। एक छोटा सा यंत्र था, 10 छड़े थी और एक मानवीय यंत्र था, और ये हाथियों की हड्डी, लकड़ी और धातुओं से बनाया जाता था, लेकिन हाथियों की हड्डियों से बनाया जाता था इसीलिए इसे नेपियर की छड़ भी कहते हैं। नेपियर का ये यंत्र जो है गणना करने के मामले में लॉगरिथम, अरब गणित और लैटिस पर आधारित था। नेपियर की यह तकनीकी रोबोलॉजी भी कहलाती है, मतलब अगर कोई रोबोलॉजी पुराने इतिहास में किसी की तकनीक को कहा जाता था तो वो थी नेपियर बोन्स। तो छड़ों में गुणा तालिकाओं का उपयोग करके जोड़ घटाव भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कलाइन के आविष्कारक कौन थे? तो पास्कलाइन के आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ब्लेज पास्कल पास्कलाइन के आविष्कारक थे। आइए पास्कलाइन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, आपको एक छोटी सी मशीन दिख रही होगी जिसमें कुछ पहिए जुड़े हुए हैं। अब इसको ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं। ये आपको दिख रहा है, ये एक बाइक का मीटर है, जो मोटर बाइक स्कूटर उसमें जो मीटर पहले लगा होता था, आजकल तो डिजिटल मीटर आने लगे हैं। पहले ये जो मीटर आता था इसमें कुछ नंबरिंग होती थी, आप देख रहे हैं बीच में 0000 करके है, तो यहाँ पे आप देखिए एक लगा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में जीरो लिखा हुआ है, फिर तीसरी लाइन में फिर जीरो लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जब ये पूरी पहली लाइन पूरा सर्किट पूरा कर लेती थी तब दूसरी लाइन में एक नंबर ऐड हो जाता था, जब ये वाली लाइन पूरा सर्किट कर लेती थी तब इसमें एक नंबर ऐड हो जाता था। तो ऐसे करते करते जो भी एडिंग होती थी, एक से दस तक जब इधर पूरा हो जाता है तब अगली लाइन में एक जुड़ जाता है, और ऐसे ही हमारे गाड़ी के मीटर में किलोमीटर्स ऐड होते रहते हैं। ऐसे ही पास्कलाइन पर आधारित था। पास्कलाइन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इसी गणित के विशेषज्ञ पास्कल ने 1642 में बनाया था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था और इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता था।
मतलब इस मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पास क्लाइंट का दूसरा नाम क्या है तो एडिंग मशीन है। जैकार्डस लूम के आविष्कारक कौन है? आपको आंसर पे ले चलता हूं। जैकार्डस लूम के आविष्कारक हैं जोसेफ जैकार्ड। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, कुछ इस तरीके से लगती है, ऐसा लग रहा है कि कपड़ा जिससे बुने जाते हैं, जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, उस तरीके की मशीन लग रही है, बुनकर वाली। और बिल्कुल सही भी है कि फ्रांसीसी बुनकर ने बनाई थी 1801 में, जिनका नाम था जोसेफ जैकार्ड। और इस ऐसे लूम का इन्होंने आविष्कार किया था जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के जो पंचकार्ड हैं उनसे नियंत्रित किया जाता था। पंचकार्ड में इनपुट और आउटपुट का काम होता था पुराने जमाने में, अब तो कीबोर्ड से होता है। तो इस लूम की विशेषता थी कि कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंचकार्ड से नियंत्रित किया जाता था। पंचकार्ड पे चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति धागों द्वारा निर्देशित की जाती थी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी, इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की मशीन थी जो जोसेफ जैकार्ड ने बनाई थी, एक फ्रांसीसी बुनकर थे, और ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत बड़ी मशीन रही होगी उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज ने किस मशीन का निर्माण किया था? कंप्यूटर के पितामह या जो भी हो, जन्मदाता हो, जो भी हो, तो कंप्यूटर के पिता थे चार्ल्स बैबेज, सबको मालूम है। उन्होंने बनाया क्या था? पास्कलाइन बनाया था? नहीं, अबेकस? नहीं, इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था, देखने में इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कैसा लगता था। और इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण आज क्या नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसे डिफरेंस इंजन कहते थे। और वो कंप्यूटर जो कॉन्सेप्ट इन्होंने जब बनाया, इसी के आधार पे इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा। डिफरेंस इंजन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक कंप्यूटर का विकास किया जिसमें डिफरेंस इंजन कहा जाता है। डिफरेंस इंजन के प्रारंभ में साधारण गणना ही करता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपडेट करना शुरू कर दिया, जिससे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, और उन गणनाओं को पूरा कर डिफरेंस इंजन उसे कागज पे भी उतार देता था, मतलब एक प्रिंटर का भी काम करता था। बाद में डिफरेंस इंजन में काफी सारे बदलाव किए गए और वो और से ज्यादा कठिन कॉम्प्लिकेटेड जो काम था वो गणनाएं करने लगा। एनालिटिकल इंजन भी जान लीजिए साथ साथ कि सन 1833 में सर चार्ल्स बैबेज ने ही डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं, और ये उससे भी ज्यादा अपडेटेड मशीन थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, तो वो भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था। और आज के साथ इनके साथ साथ हम आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारी सबलाइन क्लासेस से। अन्य भी वीडियो आप जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।